हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर न्यू चैप्टर कॉल्ड डेटरमाइनर्स आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि डेटरमाइनर्स क्या होते हैं और इसके अंदर के कुछ कंटेंट्स जो आपके लिए लेके आया हूं जो कि आपको बहुत 100 परसेंट आई एम वेरी श्योर कि आपको 100 परसेंट समझ में आ जाएंगी क्योंकि जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप पहले नाउन को बताना है फिर अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन को समझना बहुत जरूरी है फिर उसके बाद हम डिटरमाइनर्स पे चलेंगे क्योंकि इसकी स्टेप बाय स्टेप जब आप पढ़ाई करेंगे तो भी आपको समझ में आएंगे वरना आपको समझ में नहीं आने वाली है तो सारी चीजें हम बेसिक से आज शुरू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप मेनली हम डिटरमाइनर के बारे में आज जानेंगे और कुछ

इंग्लिश में वो पूछेंगे हाउ मच या फिर हाउ मेनी इसका मतलब है कि कितना राइट हाउ मच हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी अनकाउंटेबल चीज को पॉइंट आउट करना हो और हाउ मेनी हम तब यूज करेंगे जब हमें काउंटेबल चीजों के बारे में पॉइंट आउट करना हो तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगी कैसे इसको यूज करना है कैसे हम एप्लीकेशंस इनके सीखेंगे किस सिचुएशन में किस डिटर्माइनर को यूज करना है वो सारी चीजें आप इस वीडियो में जान पाएंगे सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड तो अब आगे बढ़ते वीडियो में अब शुरू से हम स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डिटर्मिनर्स होते हैं क्या डिटर्मिनर्स ग्रामर का वो पार्ट है जो हमें समझाती हैं कोई भी सामान कोई भी ऑब्जेक्ट कितना है मतलब कि उसकी क्वांटिटी को बताती है दिस टॉक्स अबाउट क्वांटिटी अब क्वांटिटी भी नहीं समझ में आया आपको तो क्वांटिटी का मतलब होता है कोई भी सामान कितने मात्रा में है राइट फॉर एग्जाम्पल वन के जी पोटैटो वन के जी ऑनियन वन के जी सुगर राइट सो ये क्वांटिटी है राइट आई होप दिस वुड बी वेरी क्लियर अब आगे चलते क्वांटिटी को बताने के लिए बहुत सारी डिटर्मिनर्स यूज़ की जाती हैं वो सारी जानकारी आप इस वीडियो में ले पाएंगे आगे बढ़ते हैं पहले आपको ये समझना जरूरी है कि नाउन वट इज नाउन नाउन इज सिंपली नेम ऑफ एनीथिंग राइट किसी भी चीज किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम है उसी को हम नाउन बोल रहे हैं नाउन को मॉडर्न तरीके से इसको डिवाइड जो किया गया वो मेनली दो तरीकों में डिवाइड किया गया इट इज डिवाइडेड इन टू आई विल राइट दिस वंस अगेन उन इज एक्चुअली कैटेगराइज इंटू टू ग्रुप ऑनली इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नाउन को बस दो कैटेगरी में डिवाइड किया हालांकि हम पढ़ते आ रहे हैं पांच और छह टाइप्स के नाउन होते हैं बट मॉडर्न तरीके से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया वो सारी चीजें मिला दी गई है अब नाउन को जो दो कैटेगरी में डिवाइड किया वो दोनों नाउन क्या है आप उसको जानिए द फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड द सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन राइट वट इज काउंटेबल काउंटेबल नाउन वो होती है जिसको हम काउंट कर पाएंगे फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर फॉर एग्जाम्पल दिस शर्ट फॉर एग्जाम्पल वॉच फॉर एग्जाम्पल कैमरा फॉर एग्जाम्पल बल्ब फॉर एग्जाम्पल चेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल फॉर एक्साम्पल पर्स देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन ऑन द अदर हैंड वी हैव अनकाउंटेबल नाउन दूसरे साइड है हमारा अनकाउंटेबल नाउन जिसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं इनके कुछ एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम चेक करें तो क्या हो सकता है मिल्क

अनकाउंटेबल आई होप दिस वुल भी वेरी क्लियर वाटर यू कैन नॉट काउंटेड वाटर बॉटल को आप काउंट कर पाएंगे विच इज काउंटेबल बट वाटर इज अनकाउंटेबल सुगर दिस इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउ तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन आपने जान लिए हैं और आपको समझ में आ चुका होगा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है और इनके कुछ एग्जाम्पल जो भी मैंने बताए आपको काउंटेबल नाउन के अंदर हम एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसे हम वट वट कैन वी से वी कैन से कैमरा we can say dog we can say cat we can say chair and so many there are so many examples of countable noun as well right both are examples of countable noun ke bhi so itne examples ko hame nahi dekhna we just have to understand the concept hame samajhna hai concept ko ab countable noun aur uncountable noun yahan tak hame clear samajh mein aa gayi आगे हम चलते हैं countable noun के अंदर भी दो पार्ट बनाए गए हैं इसके Countable noun के अंदर दो mainly parts जो बनाए गए हैं इसके वो है प्लूरल नाउन और एक है हमारा सिंगुलर प्लूरल एंड सिंगुलर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लूरल क्या है एक से ज्यादा और सिंगुलर क्या है केवल एक अब जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते है. अगर काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो वो प्लूरल और सिंगुलर का कॉन्सेप्ट गायब हो गया यहां से आई होप दिस बी रिप्लीडी क्लियर कितना है तो अनकाउंटेबल है यू कैनॉट काउंट इट तो सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन किसमें ट्रीट किए जाते हैं ये ट्रीट की जाती है सभी के सभी हमारे सिंगुलर नाउन में इसे हम सिंगुलर नाउन में ही रखते हैं दिस वुड बी वेरी क्लियर आई होप दिस वुड बी वेरी क्लियर आगे चलते हैं यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं अब हम चलेंगे डिटमिनर्स कैसे यूज करते हैं इनमें वो चीज़ सीखना है डिटरमिनर्स के अंदर अब जब प्लुरल चीज की क्वांटिटी को अगर आपको बतानी है जैसे कि अगर आप बताएंगे मेरे पास बहुत सारी गेंदे हैं मेरे पास बहुत सारी गेंदे ना गेंदे मीन बॉल्स बॉल्स क्या है काउंटेबल नाउन है और ये एक प्लूरल नाउन भी है आई होप दिस वो वेरी क्लियर बाय द वे इन टूडेज क्लास वी ऑनली विल कवर फोर डिटर्मिनर्स चार मेन डिटर्मिनर्स को आज हम कवर करेंगे जिसमें है हमारा मैनी फिर हम पढ़ेंगे मच एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू एंड लिटिल चार मेनली मैंने बता दिया मैनी और मच देन वी विल कवर फ्यू और लिटिल के बारे में पहले अब हम इसके बारे में समझते हैं मैनी के बारे में वट इज दिस मैनी मैनी और मच राइट मैनी और मच इसके बारे में आप ध्यान से समझिए मैनी को हम यूज करते हैं और मच को यूज करते हैं किसके सेंस में ज्यादा के सेंस में आई राइट दिस डाउन ज्यादा के सेंस में इसे हम यूज करते हैं ज्यादा के सेंस में आई होप दिस वी वेरी क्लियर मैनी को और मच को दोनों को हम यूज करते हैं ज्यादा के सेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी सामान कोई भी नाउ जब क्वांटिटी उसकी ज्यादा हो जब क्वांटिटी उसकी ज्यादा हो अब उस टाइम पे हमें यूज करना या तो हमें मैनी यूज करना या फिर हमें मच यूज करना है आई होप दिस वो वेरी क्लियर अब मैनी और मच दोनों अगर सेम चीज के लिए हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस है इसके काउंटेबल होने की और इसके अनकाउंटेबल होने का आई होप दिस इज क्लियर तो काउंटेबल की चीज़ें जब ज़्यादा मात्रा में होंगी तो हम यूज़ करेंगे मैनी फॉर एग्जाम्पल्स बॉल्स कैमराज डोरस वॉचेज वी हैव सो मैनी स्टूडेंट्स वी हैव सो मैनी पुअर पीपल वी हैव सो मेनी रिच पीपल मतलब कि गरीब लोग या फिर अमीर लोग इनको हम काउंट कर सकते हैं कैमरा है स्टैंड है इनको हम काउंट कर सकते हैं बल्ब है चेयर है टेबल है फैन है देर आर सो मेनी थिंग्स इन सभी चीज़ों को बताने के लिए अगर ज़्यादा की क्वान्टिटी में है तो हम यूज़ करेंगे मैनी फॉर एग्जाम्पल्स आई विल राइट इट हियर आई हैव मैनी पेन्स आई है मैनी हमारा हो जाएगा यहां पर yes, हमारे के sense. मतलब कि मेरे पास बहुत पेन है मेरे पास ढेर सारी कलमें हैं आईओक्स क्लियर मैनी पेन्स का मतलब तो यही हो गया और याद रहे कि ये हम प्लुरल के लिए यूज करते हैं ज्यादा है मतलब एक से ज्यादा है अब एक से ज्यादा जैसे ही हुआ तो प्लुरल हो गया हमारा I hope this is clear. So I have many pens. बहुत सारे examples इसके हो सकते हैं. For example, I'll say I have many sketches. I have many paintings. I have many laptops. I have many mobile phones. I have many markers. So like this you can say. इस तरीके से आप जब बताएंगे कोई countable चीज़ के बारे में ज़्यादा बतानी है, तो आप many use करेंगे. I hope this is clear. Now look at the next. This is much. और much हम तब use करते हैं जब हमें बतानी हो कोई uncountable चीज़ की quantity बहुत ज़्यादा हो. जब अनकाउंटेबल चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो तब हमें यूज करना होता है मच फॉर एग्जाम्पल आई हैव सो मच पेन इन माई हैंड आई हैव सो मच पेन इन माई हैंड मेरे हाथ में बहुत दर्द है क्या ये पेन जो है पेन जो मैंने यूज किया है ये यूज किया है मैंने अनकाउंटेबल नाउन है ये।

सो मच वाटर आई हो तुम्हारे पास बहुत पानी है बहुत के लिए यहां पर मैनी अगर आप यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा राइट मच यहां पर एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है बिकॉज दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउ ये हमारा है अनकाउंटेबल नाउ यू एंड मीन्स अनकाउंटेबल नाउ एंड दिस आर Countable nouns. So this is why we are using many. इस चीज की वजह से हम यहाँ पे many को use कर पा रहे हैं दिस be very clear. I hope कि सारी चीजें आपके clear हो पा रही होंगी एन योर डेली लाइफ एक्टिविटीज अभी बहुत ऑब्जेक्ट्स को आ, बताते होंगे उसके बारे में बात करते होंगे तो वहां पे भी आप ध्यान दीजिए कि जब भी आपको ज्यादा की क्वांटिटी में बताना है तो आप चेक कर लीजिए वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल दैट यू ऑलरेडी नो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आपको फर्क पता चल गया जिसको आप गिन सकते हैं काउंटेबल है जिसको नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल है ज्यादा के सेंस में बतानी है आपको तो मैनी यूज करिए काउंटेबल के लिए मच यूज करिए अनकाउंटेबल के लिए फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पोटैटोज और आई हैव मेनी पोटैटोज मेरे पास बहुत सारे पोटैटोज हैं मेरे पास बहुत सारे आलू हैं आई होप दिस इज क्लियर बट आई विल से आई हैव सो मच वाटर मेरे पास बहुत सारा पानी है आई हैव सो मच मिल्क मेरे पास बहुत सारा दूध है देयर इज सो मच शुगर इन द कप देयर इज सो मच शुगर इन द कप कप में बहुत सारा चीनी है आई होप दिस इज वेरी क्लियर राइट तो ज्यादा के सेंस में आपको मैनी और मच को इस्तेमाल करना है वो भी ज्यादा के सेंस में आई होप की चाहिए आपकी क्लियर हो चुकी होगी नाउ अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे फ्यू और लिटिल को समझने के लिए फ्यू और लिटिल बहुत तगड़ी कॉन्सेप्ट है आई मीन टू से बहुत स्ट्रॉग कॉन्सेप्ट है इस इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी तो यू मस्ट सी एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस वर्क्स राइट सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मच मैनू और मच्छ के बीच में बस एक चीज का डिफरेंस है दोनों ज्यादा के सेंस में यूज किया जाता है बट एक अनकाउंटेबल के लिए और एक दूसरा एक काउंटेबल के लिए आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यू और लिटिल के डिफरेंस के बीच में इनके बीच में जो डिफरेंस है सेम एज इट इज जैसे हमने मैनू और मच को डिफ्रेंशिएट किया है सेम उसी तरीके से बट यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है चलिए उस क्राइटेरिया को समझ लेते हैं फ्यू और लिटिन इसको जो यूज किया जाता है इसे यूज करते हैं हम कम के सेंस मतलब कि थोड़े क्वांटिटी के सम में सो फॉर एग्जाम्पल आई राइट दिस डाउन हेयर फर्स्ट कम या फिर थोड़ा के सेंस में यूज किया जाता है इसे और राइट सो एज यू कैन सी आई हैव रिटर्न कम या थोड़ा मतलब कि इसे जो यूज किया जाता है क्वांटिटी जब कम हो जब यहां पर थोड़ी सी क्वांटिटी हो फॉर एग्जाम्पल आई विल से आई हैव

शी हैजेक लिटिल मिल्क लिटिल मिल्क इट मींस उसने कम दूध लिए हैं राइट right? उसने बहुत थोड़ा या फिर कम क्वांटिटी में दूध लिया है अब यही चीज अगर मिल्क ना हो और हमें मार्कर की बात करनी हो तो हम क्या बोलेंगे सो वी विल से शी हैज बाउट फ्यू मार्कर्स फ्यू मार्कर शी हेज अबाउट फ्यू मार्कर उसने कुछ मार्कर खरीदे हैं उसने कुछ मार्कर खरीदे हैं तो कुछ या फिर कम या फिर थोड़े इन तीनों के सेंस में हम इन्हें यूज कर पा रहे हैं यह चीज आप समझ लीजिए कि सेंस किस बात की हो रही है यू हैव टू अंडरस्टैंड दट इन विच सेंस वी आर ट्राइंग टू यूज दिस डिटर्मिनर्स इन आर स्पीकिंग एक्टिविटीज और वेर अवर यू फील सो कम और थोड़े मतलब कि कम के सेंस में फ्यू या फिर लिटिल को यूज करिए ज्यादा के सेंस में मैनी या फिर मच को यूज करिए आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल ना यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चन दैट आई एम राइटिंग ओवर योर दैट यू विल टेल मी माई काउ गिव्स मिल्क You have to figure it out that whether you have to use much or many, whether you have to use here much or many. The second question is My dog ate breads, my dog ate dash breads, and in this breads, you have to write whether it is few or little. अगर आपका आंसर सही हुआ देन आई गिव यू सम रिवॉर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ दिस वुड बी अ काइंड ऑफ सरप्राइज दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर एंड लेट्स दैट हाउ मेनी ऑफ यू गेस द करेक्ट आंसर सो इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स आई चेक दिस आउट एंड रिवॉर्ड यू वेदर इट इज इन कॉमेंट बॉक्स और इन द नेक्स्ट वीडियो आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं और आप इसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी यूज़ करिए स्पोकन में भी यूज़ करिए एंड मेक योर लाइफ वेरी कंफर्टेबल सो नाओ एट द एंड आई वो लाइक टू थैंक यू एवरी वन फॉर हैविंग सच पेश वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड कुछ अगर वैल्यू एड कर पाया हूँ मैं अपने इस वीडियो से तो मेक श्योर sure कि आप लाइक like कर दे वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सब्सक्राइब के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए सो देट यू ऑल्सो कीप गेटिंग माई वीडियोजन एवर आई पोस्ट इट ऑन यूट्यूब नाव एट दी एंड थैंक यू सो मच एवरी वन